हर हर महादेव। दोस्तों आज हम भारत की सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदियों में से एक यमुना नदी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को देने वाले हैं। दोस्तों इस सीरीज में हम उत्तराखंड की साथ में भारत की प्रमुख नदियों के बारे में आप सभी को बता रहे हैं। हमारे साथ जुड़े क्योंकि हम यमुना नदी और साथ में जो हमारी प्रमुख नदियाँ हैं उनके इतिहास, उनके महत्व और वर्तमान चुनौतियों के बारे में पता लगा रहे हैं और साथ में इन सभी से जुड़ी हुई जानकारियाँ आप सभी को दे रहे हैं। आज की वीडियो में हम यमुना नदी कहाँ से निकलती है, इसका पौराणिक महत्व क्या क्या है, यह हमारे वर्तमान स्थिति इसकी क्या है, इन सभी विषयों पर हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले रोज की तरह रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर ऑन कर लीजिए। अनेक देवी देवताओं के साथ संबंध होने के कारण यमुना का महत्व और बढ़ जाता है। यमुना नदी को भगवान सूर्य देव की पुत्री और मृत्यु के देवता यमराज की बहन के रूप में जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यमुना नदी को भगवान श्री कृष्ण की पत्नी के रूप में भी जाना जाता है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब वासुदेव नवजात कृष्ण के साथ यमुना नदी में प्रवेश करते हैं और उन्हें उनसे रास्ता मांगते हैं, लेकिन रास्ता न देने पर वह एक शर्त रखती है यमुना नदी की, भगवान श्री कृष्ण को उनसे विवाह करना पड़ेगा और बाद में उनके जीवन में उनकी शादी होती है, जीवन काल में उनकी शादी भगवान श्री कृष्ण से होती है। मृत्यु के देवता यम की जुड़वा बहन भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ी है और उनके आठवें संघों में से एक के रूप में उनका उल्लेख मिलता है। दोस्तों यमुना नदी को माँ गंगा की बहन के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यमुना जी में डुबकी लगाने से आपको आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो आपको पापों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों यमुना नदी को कालिंदी नदी के रूप में भी जाना जाता है, कालिंदी नाम से भी इन्हें जाना जाता है। यमुना नदी के इतिहास और इनसे जुड़ी हुई अगर और अधिक जानकारी आप चाहते हैं इनके इतिहास से जुड़ी हुई, आप मेरे ब्लॉगर पेज पे जाके वहां से पूरी जानकारी ले सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप सभी को दे दूंगा। यमुना नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के यमुनोत्री में स्थित है, जहां 20,955 फीट की ऊंचाई पर बंदर पंच नाम की जगह स्थित है, वहां से इसका उद्गम स्थल माना जाता है और यमुनोत्री को इसका मुख्य उद्गम स्थल के रूप में जाना और पूजा जाता है। दोस्तों गंगोत्री से निकलने वाली माँ गंगा और यमुनोत्री से निकलने वाली माँ यमुना नदी दोनों ही मानव जीवन के कल्याण के लिए निरंतर धरती पर बहते आ रही है और निरंतर लोगों का कल्याण कर रही है, लेकिन आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, इन नदियों को साफ सुथरा रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें, अपनी प्रकृति को साफ रखने में महत्वपूर्ण योगदान दें, कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें। यमुना नदी की लंबाई 860 मील तथा 1380 किलोमीटर की है। यह भारत के अनेक शहरों से बहती, अनेक शहरों में बहती है, अनेक शहरों में निरंतर बहते आ रही है। यह उत्तराखंड से हिमाचल, आगरा, मथुरा, दिल्ली वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित प्रयागराज में यमुना नदी जी का संगम माँ गंगा से होता है। इसी कारण से यह माँ गंगा की सबसे बड़ी प्रमुख सहायक नदियों में से एक मानी जाती है। दुर्भाग्य से यमुना नदी अभी वर्तमान में काफी प्रदूषित हो चुकी है, औद्योगिक शिविरों के कारण और सिविल लाइनों के कारण, कृषि अपवाह के कारण यमुना नदी प्रदूषण का सामना कर रही है और हम सभी को अपने इस अमूल्य प्रकृति व नदियों को साफ रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देना होगा व लोगों को जागरूक करना होगा। दोस्तों आज की वीडियो में हमने यमुना नदी जी के इतिहास और उससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी को दी, किस तरह से उनका उद्गम स्थल कहाँ स्थित है, कितनी उनकी लंबाई है और उनका पौराणिक महत्व क्या क्या है, इन सभी विषयों पर उम्मीद करता हूं आप सभी को वीडियो जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों अब मैं आपसे यमुना नदी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। भगवान कृष्ण ने यमुना जी से शादी क्यों की थी, रिसर्च कीजिए और कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जुड़े रहे देवभूमि इंडिया के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। भारत की किसी और प्रमुख नदी के साथ जिसका उद्गम